संविधान संशोधन बिल को मिली राष्ट्रपति से मंजूरी। दिल्ली के लिए एक होगा नगर निगम, नॉर्थ साउथ और ईस्ट नहीं, अब दिल्ली नगर निगम कहलाएगा। दिल्ली में फिलहाल नहीं होंगे एमसीडी चुनाव। दिल्ली की तीनों नगर निगमों का एकीकरण करने लाया गया दिल्ली नगर निगम अधिनियम 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा मंजूरी दे दी गई है। अब दिल्ली की तीनों निगमों को नॉर्थ साउथ और ईस्ट नहीं बल्कि दिल्ली नगर निगम कहा जाएगा। बता दें कि राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद इसे अब केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय की सेक्रेटरी डॉक्टर रीता वशिष्ठ की ओर से गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर अधिसूचित भी कर दिया गया है। अधिसूचना के जारी होते ही दिल्ली नगर निगम के संभावित चुनावों पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। सर, आज राष्ट्रपति द्वारा विधेयक पास हुई है, क्या इसमें कहना है? सबसे पहले तो मैं देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। दिल्ली की जनता को बधाई देना चाहूँगा कि तीनों निगमें एक हो गई हैं, राष्ट्रपति महोदय ने साइन कर दिए हैं। अब पूर्वी, उत्तरी या दक्षिण दिल्ली नगर निगम नहीं कहलाएगी, अब एक ही नाम होगा दिल्ली नगर निगम, जैसा कि पहले 2012 से पहले था। दिल्ली की जनता को बड़ी हिस्से राहत मिली है और ख़ास तो तीनों निगमों में काम करने वाले कर्मचारी जिनको कि हम समय से तनख्वाह नहीं दे पा रहे, आने वाले समय में उनको समय से तनख्वाह मिलेगी, पार्श्व फंड भी मिलेंगे और विकास के कार्य तेजी से हो पाएंगे। 2011 में हुआ था निगम विभाजन। वर्ष 2011 में दिल्ली विधानसभा ने दिल्ली नगर निगम को तीन निगम में विभाजित किया था, जिसमें पूर्वी और उत्तरी के साथ दक्षिणी निगम बनाया गया था। 10 साल 18 दिन बाद अब निगम अपने पुराने स्वरूप में होगा। पिछले 3 सालों से निगम संयोजकों और सचिवों द्वारा इनके एकीकरण के लिए केंद्र सरकार को कई ज्ञापन सौंपे गए। अब केंद्र सरकार द्वारा निगम के एक होने पर निगम कर्मचारियों और अधिकारियों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इससे तीनों नगर निगम के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन की समस्या का समाधान होगा। अब निगम के पास ज्यादा शक्ति होगी तो कर्मचारियों को भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। तीन अलग अलग निगम होने के कारण जो अतिरिक्त खर्चा हो रहा था वो भी बचेगा, साथ ही वेतन और पेंशन देरी से मिलने की समस्या खत्म होगी। हमने 6-6 माह देरी से वेतन आने के हालात को देखा है। आलम यह हो गया था कि कोई बैंक निगम कर्मियों को लोन देने के लिए तैयार नहीं था। कब होंगे नगर निगम चुनाव? जानकारों की माने तो राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद विधेयक के कानून का रूप अख्तियार करने के बाद दिल्ली के तीनों नगर निगमों के एकीकरण के लिए डीलिमिटेशन की प्रक्रिया की जाएगी। डीलिमिटेशन की प्रक्रिया पूरी होने के उपरांत दिल्ली नगर निगम के चुनाव होंगे। चुनाव के बाद नए कानून के तहत 3 की बजाय 1 महापौर और 3 निगम आयुक्त की बजाय 1 निगम आयुक्त ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्काई न्यूज ग्लोबल।